अनेक वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय अपराधी लश्करीबाग निवासी सौरभ सुधीर वासनिक के खिलाफ सीपी रविंद्र कुमार सिंगल ने एमपीडीए लगा दिया है। सौरभ के खिलाफ तीसरी बार एमपीडीए के तहत कार्रवाई की गई है। उसके खिलाफ पाचपौली और जड़ीपटका थाने में हत्या का प्रयास, डकैती की तैयारी, आर्म्स एक्ट तोड़फोड़ जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। चार बार पुलिस ने उसके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई की, इसके बावजूद वह आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था। वर्ष 2020 और 2022 में तत्कालीन सीपी ने उसके खिलाफ एमपीडीए लगाया था, लेकिन इसका कोई परिणाम उस पर नहीं हुआ। इसीलिए पाचपौली पुलिस ने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जमा कर क्राइम ब्रांच को भेजा। क्राइम ब्रांच द्वारा एमपीडीए का प्रस्ताव सीपी को भेजा गया, जिसके बाद सीपी ने सौरभ को एक वर्ष के लिए सेंट्रल जेल भेज दिया है। खबर है उसके पिछले 7-8 साल से बहुत गुने हैं, दरोड़ा डालना, आर्मेक्स के, लूट मार के, एक्सटोरेशन, ऐसे गुने हैं। उसको इसके पहले भी एमपीडीए किए थे तो भी सुधरा नहीं, बाद में 110 भी कार्रवाई की है छुटके आने के बाद। उसके बाद में भी और दो गुने हैं, एक जरीपटका में भी, पाचपाली में है, मारामारी का गुना है, आर्म एक्ट है, दरोड़ा डालने की तैयारी है, ऐसे गुने हैं। वो सुधरने की कोशिश ही नहीं है उसका, इसलिए परसों के दिन उसको वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में उसके ऊपर जो लीगली कायदेशीर प्रोसीजर करके उसको 25 तारीख के नाइट में उसको एमपीडी के अंतर्गत माननीय पुलिस आयुक्त, सह आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त उनके मार्गदर्शन में कायदेशीर कार्रवाई करके उसको एमपीडी अंतर्गत एक साल के लिए सेंट्रल जेल भेजा गया। सौरभ सुधीर वासनिक है, उम्र 27 साल, कुराड़पेट लश्करी बाग का है। ये सुधरने की उसको दिख रहा नहीं, इसलिए फिर से उसके ऊपर एमपीडी कार्रवाई किया गया।